वेलकम टू शिकागो। तो आ गया हूँ भाई शिकागो में। अभी मैं लगा हूँ अपना गैस कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन कराने में, और तो उसके लिए एक जो बिजली डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर कुछ पेपर वर्क करना था। दो आईडी और $4 लगा के बिजली डिपार्टमेंट में जाके करा दी है। तो बिजली का कनेक्शन हो गया, गैस का कनेक्शन हो गया, और वाईफाई का मॉडम लेना है और लेने के लिए निकलते हैं हम। और यहाँ से हम जाएंगे सीधे बेस्ट बाय और वहाँ जाकर लेते हैं वाईफाई का मॉडम। Everybody here is waiting for something, but I'll be on my way, I'll make it there by New Year's Eve. Stop dragging your heart around, baby. Stop letting the chances leave you by. Stop. तो भाई लोगों, मैं मूव हो चुका हूँ शिकागो में। आज है मेरा दूसरा दिन, और जैसे कि आपको पता है कल मैंने बिजली पानी और वाईफाई का कनेक्शन कराया, और फिर मैंने वाईफाई का मॉडम भी खरीदा जो पड़ा मेरे को $130 का। फिर मैंने बिजली और पानी के लिए पे किए $4, और इतना आसान था। मेरे को लगा कि आफत ही होगी, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में होता है कि बहुत भारी भीड़ होती है और लाइनें लगती हैं और सिस्टम बहुत खराब होता है। मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ी आफत है, लेकिन जब मैं वहां गया तो 2 मिनट का काम था। मैंने खाली फॉर्म फिल किया, उनको अपनी एक आईडी दी और काम तमाम, और इतना सिंपल था। आज दूसरा दिन है और हमारा प्लान है वॉक पर जाने का। यहां से नजदीकी एक बढ़िया सी लोकेशन बताई गई है, लेक व्यू है, तो अभी हम जाएंगे वहां पर, दिखाएंगे अमेरिकन लोग कैसे अपना समर टाइम एंजॉय करते हैं। और आप लोग भी चलिए मेरे साथ। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ प्रतीक के आने का, जैसे ही वो आ जाएगा फिर चलेंगे और फिर उसके बाद दिखाते हैं। कोई गलत हरकत नहीं करेगा, चुपचाप चलना और एंजॉय करना बस। Not too much to go on, but I'll make it fine. ये तेज है कि जान निकल गई, पता नहीं ये गोरे लोग कैसे कर लेते हैं। इतनी धूप में भी भागा दौड़ी चल रही है इनकी। जॉगिंग, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, पता नहीं हमसे क्यों नहीं होता। वेलकम टू शिकागो। सो शिकागो में दूसरा दिन है मेरा, और ये है अपना भाई प्रतीक। हाय। तो प्रतीक आज मेरे को पहली बार लेके आया है लेक शोर ड्राइव पर, और यहाँ पर अगर आप इधर देखोगे तो पूरी लेक है, और दूसरी साइड में ये ड्राइव है मेन रोड, यहाँ पे सब साइकिलिंग और जॉगिंग के लिए ये वाला एरिया है, और बाकी उधर देखोगे फ्री वे। ये दूसरा दिन है हमारा। पहले दिन हमने क्या किया कि पहले दिन में घर के लिए सारे बिजली के कनेक्शन और गैस का कनेक्शन और वाईफाई कनेक्शन जो आपने देख ही लिया वो सब किया हमने। फिर उसके बाद आज हम आए हैं थोड़ा सा बाहर घूमने, ताकि हम अच्छे से व्यू दिखा सकें आपको शिकागो का, और बता सकें कि शिकागो कैसा है। मेरा भी पहला दिन है तो मेरे को इतना नहीं पता, तो इसलिए प्रतीक मेरे साथ है और भाई है अपना, और बाकी आप करो इन्जॉय, देखो और आप बताते रहेंगे कैसे कैसे स्ट्रगल है, क्या स्ट्रगल है। अगर आप लाइक बटन प्रेस करो तो इतनी जल्दी थोड़ी ना। मैं बताता रहूँगा आपको कि अगर आप शिकागो मूव करते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, और किस किस मुसीबत से आपको निकल के और पूरा सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है और बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर बहुत बढ़िया सिटी है। तो देखते रहिए और बाकी लो नज़ारे शिकागो के। डाउनटाउन का व्यू दिख रहा है यहाँ से, बहुत अच्छा, और हवा तेज है, शायद इसलिए इसको विंडी सिटी भी बोला जाता है। और मौसम गर्म है, लेकिन सब लोग निकले हैं बाहर मज़े लेने के लिए। कुछ लोग यहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और कुछ लोग अपनी चद्दर बिछाकर ज़मीन में लेटे हुए हैं पूरे सूरज का पूरा मज़ा लेते हुए। और ये देखो अपना प्रतीक, ये क्या बला भाई, मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है।
ये जो है ये ट्रॉली है, इसमें अपना सामान रखो और ये पीछे पीछे चलती रहेगी। उसके बाद पहुंच गए हम लेक फ्रंट पर और ये है मिसिंगा लेक जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई है। इसको छोटा समुंदर बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है, लोग गर्मी का पूरा मज़ा लेने की कोशिश करते हैं, तो हमने सोचा कि ना हम भी थोड़ा सा आराम कर लें। तो जैसा कि आपको पता ही है अभी गर्मियों का सीज़न चला हुआ है, और गर्मियों का सीज़न मतलब कि त्यौहार से कम नहीं होता। जैसे अपने यहाँ होली दिवाली होती है, वैसे ही गर्मियों का सीज़न होता है यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है और फिर उसके बाद खाली बर्फ़ ही बर्फ़। तो इसलिए लोग कोशिश करते जितना हो सके उसको इंजॉय किया जाए, और इसीलिए आपने देखा होगा इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई स्केटिंग कर रहा है। तो हम भी आए आपको दिखाने के लिए कि अभी क्या हालात हैं। अगर आप न्यूयॉर्क से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लोगों में कोरोना का डर कम है, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके मास्क लगाने की और अपना गर्मियों का सीज़न एंजॉय करने की। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और जैसे कि मैंने पीछे की वीडियोस में आपको न्यूयॉर्क की सैर कराई है, वैसे ही मैं आपको शिकागो की सैर कराऊंगा और आपको चप्पा चप्पा दिखाऊंगा शिकागो शहर का। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। शिकागो का फेमस स्टेडियम, शिकागो कप्स का होम ग्राउंड। अभी कोरोना के चक्कर में सारे गेम्स वगैरह बंद है, लेकिन फिर भी क्रेज कम नहीं है। अगली बार जब भी शिकागो कप्स का गेम होगा मैं पक्का लेके आऊँगा आप लोगों को यहाँ पर। तो वाटर फ्रंट घूम के आ गए, दोपहर के 3 बज गए, अब भूख भी लगी है, अब जाएंगे घर और घर जाके थोड़ा सा खाना खाएंगे। लंच में भिंडी मसाला, रोटी और आम का अचार, और इन लोगों का अलग है नॉन वेजिटेरियन पार्टी। तो भाई लोगों फाइनली घर पहुंच चुका हूं और शाम के बजे हैं 7, थक हार के बुरे हाल हैं। सारे दिन घूमे आज, बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है, यहीं पर रहना है अब तो। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, लेकिन मैं बता दूं आपको बहुत अच्छी सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो देखते रहिए वीडियो, मैं आपको चप्पा चप्पा घुमाऊंगा और हर एक चीज़ बताऊंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दो अभी के अभी, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर दो, ताकि हर बार आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। जो जो भाई सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सवाल लेते रहो और यूं ही वीडियो देखते रहो। जय राम जी की।